भैया पावर 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 तो सब करते हैं कि गाड़ी इतनी क्विक है उतनी क्विक है, लेकिन रिफाइनमेंट आपको सिर्फ इन गाड़ियों में मिलेगी। नहीं तो यार इतना शोर मचाएगी कान में से ना खून निकलना शुरू हो जाएगा, इतना शोर मचाती हैं ये वाली गाड़ियां। एंड तक देख लेना, आज आपको समझ आ जाएगा कि भैया कौन सी गाड़ी आपने लेनी है, किसका इंजन सबसे ज्यादा रिफाइंड है। रिफाइंड समझ रहे हो ना, रिफाइंड तलने वाला, रिफाइंड नहीं, रिफाइनमेंट की हम बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा स्मूथ स्मूथ। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे, मैं हूँ नवनीत, ये है दक्ष, हम रखेंगे अपना पक्ष। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन सी गाड़ी में कौन सी कंपनी जो है सबसे ज्यादा रिफाइंड सबसे ज्यादा स्मूथ शांत इंजन जो है प्रोवाइड करती है। देखो इसमें हम पावर की बात नहीं करेंगे, आज से पहले हमने जो वीडियोस बनाई है उसमें हमने पावर की बात करी कि कौन सा इंजन ज्यादा पंची है, ज्यादा क्विक है, ज्यादा फन टू ड्राइव है, लेकिन आज बात होगी सिर्फ और सिर्फ रिफाइनमेंट की, स्मूथनेस की, शांति की, कि केबिन में आपको ज्यादा वाइब्रेशन एंड शोर ना है। साथ ही साथ दोस्तों अगर इंजन रिफाइंड है उसकी पावर लीनियर आ रही है, ऐसा नहीं है कि जो तीन सिलेंडर यूनिट है वो भी खराब है, बट चार सिलेंडर। आज के वीडियो में एंड तक आपको पता चल जाएगा कि जब अगर आप गाड़ी नई गाड़ी खरीद रहे हो या आप गाड़ियों की नॉलेज लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बना हुआ है। बिल्कुल नई गाड़ी ले रहे हो तो वीडियो जरूर देखना, आपके बाइंग डिसीजन में हेल्प करेगा। अगर हम शुरू करें एकदम एंट्री सेगमेंट में तो सबसे ज्यादा प्यारे स्मूथ अच्छे इंजन जो है वो एक ही कंपनी के पास है, फोर सिलेंडर इंजन, सबसे ज्यादा रिफाइंड पेपी इंजन जो है वो मारुति के हैं, सबसे लोअर सेगमेंट में, स्पेशली अंडर 10 लाख, अंडर 10 लाख जो है 1.2 लीटर का चार सिलेंडर इंजन है बलिनो वाला। ओहो भाई साहब इतना रिफाइंड इंजन, इतना स्मूथ इंजन, इतना फ्यूल एफिशिएंट एंड गाड़ियों का वेट कम है, इस वजह से आपको वजन ही नहीं है, इस वजह से आपको जो है माइलेज भी भरपूर मिलेगी एंड वो आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत भाग रही है गाड़ी। दूसरे नंबर पे हम हुंडई को भी काउंट करते हैं, हुंडई के भी इंजन बहुत ज्यादा रिफाइंड है, जो i10 वाला इंजन है इनका, जो i20 वाला इंजन है 1.2 लीटर चार सिलेंडर इंजन, बहुत ही अच्छा इंजन है, बहुत ही स्मूथ इंजन है, लेकिन भाई जो बात मारुति के इंजन में है ना, वो जापानीज इंजन, मारुति इंजन नहीं सुजुकी इंजन है, वो जो बात उन इंजनों में है वो बात किसी इंजन में नहीं है अंडर 10 लाख। एक्सीलेंट इंजन, एक एक इंजन बहुत ही लाजवाब है, लाजवाब है। कौन से इंजन अच्छे नहीं है अंडर 10 लाख, अब हम उनकी बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो अनरिफाइंड इंजन है ना, जिसमें रिफाइनमेंट की थोड़ी कमी है, वो है टाटा के पास इंजन जो है, चाहे वो उनकी टियागो हो, चाहे अल्ट्रोज हो, चाहे इनकी पंच हो, चाहे हालांकि इन्होंने BS6 फेज 2 में काफी इंप्रूवमेंट करी है, बट स्टिल एक तो तीन सिलेंडर है, वाइब्रेशन है, छोटे गियर्स पे आपको मैनुअल में वाइब्रेशन महसूस होगी गाड़ी के अंदर, वो लाजमी है क्योंकि थ्री सिलेंडर यूनिट है। दोस्तों अकेली टाटा नहीं, रेनॉ निसान ग्रुप का जो नीचे वाला इंजन है, जो 1000 cc का तीन सिलेंडर इंजन है, वो तो मैं कहूंगा टाटा से भी गया गुजरा इंजन है वो। अगर आपको बिल्कुल लोकल में चलानी है, आपका सिटी यूज है, तो आप इनमें से कोई भी टाटा का या रेनो का या उसका निसान का इंजन आप ले सकते हो। 1000 cc है उनके पास, इनके पास 1200 cc है, लेकिन है ये तीन सिलेंडर यूनिट है। तो ये तो हमने बात करी इस सेगमेंट की, मारुति, हुंडई, टाटा, निसान, रेनॉ जो है। अब हम थोड़ी ऊपर चलते हैं तो जो गाड़ियां आ जाती हैं जैसे नेक्सॉन, ब्रीजा, XUV300, सोनेट, वेन्यू, ये जो गाड़ियां आ जाती हैं, ये जो सेगमेंट है, मतलब बलिनो वगैरह से ऊपर सेगमेंट जो है, तो इस सेगमेंट में भी दोस्तों सेम चीज अप्लाई होती है कि सबसे ज्यादा रिफाइंड सबसे ज्यादा स्मूथ इंजन जो है वो ब्रेजा का है। ब्रेजा भाई साहब 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड चार सिलेंडर इंजन जो 9 गाड़ियों में यूज हो रहा है, लाजवाब रिफाइनमेंट है, लीनियर उसकी पावर है, हर गियर पे आपको बढ़िया पावर देगा वो। हालांकि दोस्तों वो इतना पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल नेक्सॉन का टर्बो इंजन या XUV300 का टर्बो इंजन है, लेकिन यहाँ पे बात पावर की नहीं हो रही, यहाँ पे बात रिफाइनमेंट स्मूथनेस की हो रही है। वो जो जापानीज इंजन है ना, नेक्स्ट लेवल इंजन है, उसकी रिफाइनमेंट लाजवाब इंजन है खाली। और ये भी नहीं है दोस्तों उसमें पावर की भी कमी नहीं है, लेकिन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की ना एक अपनी कहानी है, वो एक अपने तमीज से चलता है, लीनियर पावर देता है आपको, वो उसमें लैग नहीं होता, लाजवाब इंजन है। वेन्यू और सोनेट वगैरह इनके अंदर दो तरह के इंजन आते हैं, एक आता है नेचुरली एस्पिरेटेड 1.2 इंजन और एक आता है 1.0 टर्बो इंजन। बिल्कुल अब कहानी यह है दोस्तों, अगर एक सेगमेंट है हमारे पास सिमिलर सेगमेंट है, यार हमें 1.5 इंजन मिल रहा है 1500 cc नेचुरली एस्पिरेटेड लाजवाब वंडरफुल इंजन, तो 1.2 हम वो इंजन क्यों लें जो नीचे इनकी i10 से आ रहा है। सही बात है,
i10 के अंदर भी वही इंजन है जो 6-6.5 लाख की शुरू होती है, 6 लाख रुपए की आ जाती है बेस मॉडल, और वही इंजन वेन्यू में 12-13 लाख तक बिकता है। बिल्कुल, उसके बाद नंबर आ जाता है भैया XUV300 का, जिसका इंजन बहुत ही अच्छा है, लेकिन है वो 3 सिलेंडर ही। 3 सिलेंडर यूनिट नेक्सॉन के अंदर भी और XUV300 के अंदर भी है, इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन नहीं है किसी भी मॉडल के अंदर। बिल्कुल, और XUV300 लाजवाब एक्सीलेंट इंजन रिफाइंड है वो दोस्तों। कहीं ना कहीं 3 सिलेंडर इंजन जो होते हैं ना, चाहे वो टर्बो के साथ है, उसमें कहीं ना कहीं आपको वाइब्रेशंस जरूर फील होएंगी। बिल्कुल, क्योंकि देखो छोटी मशीन से बड़ा काम लिया जा रहा है। रिफाइनमेंट की अगर हम बात करें कि नेक्सॉन और एक्सयूवी में 300 में, तो ज्यादा रिफाइंड जो है ना दोनों का इंजन, वो 300 का इंजन ज्यादा रिफाइंड है। कहने का मतलब ये, अगर आपको इस सेगमेंट में डीजल इंजन लेना है तो वेन्यू सोनेट में बेस्ट डीजल इंजन आता है क्रेटा वाला। पेट्रोल इंजन रिफाइनमेंट की बात करें तो ब्रेजा का बहुत टॉप नॉच है। और हम बात करें XUV300 और नेक्सॉन के डीजल इंजन की, तो दोनों में अच्छा खासा इंजन है। बिल्कुल, लेकिन जो मुझे पर्सनली पसंद आता वो वेन्यू का डीजल इंजन बहुत ही लाजवाब। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मिड साइज एसयूवी की, जो सबसे हॉट सेगमेंट है। इसके अंदर गाड़ियां मोटा मोटी कौन सी आती है, क्रेटा, सेल्टोस, एलिवेट, टाइगोन, कुशाक, एस्टर, ग्रैंड विटारा और हाई राइडर भी है भैया, लेकिन उनमें उनको हम चलो काउंट नहीं करते, बिकॉज उसमें एक तो नीचे वाले सेगमेंट में ब्रेजा वाला इंजन आता है, और अपर सेगमेंट में उसमें हाइब्रिड आ जाती है जो कि एकदम अलग चले जाता है। बात कर लेंगे हम उसके बारे में भी, और आप बात करें कि सबसे रिफाइंड इंजन इनके अंदर है क्रेटा और सेल्टोस के, सबसे ज्यादा कम शोर मचाने वाले इंजन। हम बात कम शोर मचाने वाले की कर रहे हैं, रिफाइंड इंजन की कर रहे हैं, क्योंकि एलिवेट के अंदर भी ऐसा इंजन आता है 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड, हालांकि वो IVTEC इंजन है, लाजवाब इंजन है, जापानीज इंजन है, और लोगों को पता है होंडा के इंजन का कोई तोड़ नहीं है। लेकिन वो इंजन होंडा एलिवेट में थोड़ा शोर मचाता है। बिल्कुल, मतलब हाँ, जरा सा भी हाई नोट पे आप RPM को लेके जाते हो तो वो हूँ करता है। एंड मैंने जो चीज नोटिस करी है, होंडा सिटी इतना शोर नहीं मचाती, फॉर सम रीजन एलिवेट मचाती है, वो पता नहीं इनकी क्या ट्यूनिंग है। लेकिन रिफाइनमेंट की अगर हम बात करें तो हाँ, सेल्टोस का इंजन शांति रहती है इन गाड़ियों के, क्रेटा का इंजन सबसे ज्यादा स्मूथ है इस सेगमेंट में। इसमें और एलिवेट के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये इंजन शोर नहीं कर रहा रेव करने पे। एलिवेट में क्या है कि वो रोड ज्यादा करता है, ज्यादा करता है, RPM बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता, तो इसके अंदर वो चीज नहीं फील हो रही है। बाकी हाई राइडर और ग्रैंड विटारा का भी इंजन जो है वो ब्रीजा वाला सेम इंजन जो है यूज हुआ हुआ, अच्छा रिफाइंड है। बेसिकली सिर्फ माइलेज ओरिएंटेड कार्स हैं, तो उनकी ट्यूनिंग भी उस हिसाब से, उनमें पावर भी सबसे कम आती है सेगमेंट में, बिकॉज वो उस पर्पस से ही ट्यून हो रखी है माइलेज। बिल्कुल, वो इंजन सबसे बढ़िया बता दिया आपको ब्रीजा में परफॉर्म करता। बिल्कुल, और सबसे हल्का इंजन जो सेगमेंट में हमें लगता है वो लगता है MG Aster का जो 1.5 इंजन उसका है हल्का, मैं बताऊं मतलब वो जो 108 BHP वाला इंजन है, वो उसकी रिफाइनमेंट इतनी अच्छी नहीं है जितनी आपको बाकी गाड़ियों की। उस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम ये है कि उसका वजन काफी ज्यादा, बिल्ड बहुत स्ट्रांग है, इंजन मैनुअल के साथ जो है वो 5 गियर वाला दे रखा है उन्होंने। गाड़ी अच्छी है बट इंजन में वो बात, वो गाड़ी उनके लिए है जो कभी कभी चलाते हैं, जिनको थोड़ी बहुत चलानी होती है। बेस मॉडल सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है एस्टर का, बट पावर नहीं मिलेगी, परफॉर्मेंस एंड माइलेज से इतनी एक्सपेक्ट ना, उससे माइलेज एक्सपेक्ट करना ना उससे परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करना। सेकंड लास्ट नंबर पे अगर हम काउंट करें नीचे से, तो वो हम फॉक्सवैगन का 3 लीटर वो 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो है रखेंगे, बिकॉज पावर तो उसमें काफी है, लेकिन उसकी इतनी अच्छी रिफाइनमेंट नहीं है जितनी अच्छी रिफाइनमेंट आपको सेल्टोस का इंजन, क्रेटा का इंजन, एलिवेट का इंजन इनके देखने को मिलेगी। इनफैक्ट जो वो ग्रैंड विटारा हाई राइडर का भी इंजन है 1.5 ब्रेजा वाला, उसमें भी काफी अच्छी रिफाइनमेंट है एज कम्पेयर टू 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन। सबसे बढ़िया क्रेटा, सेल्टोस, एलिवेट, हाई राइडर, ग्रैंड विटारा, टाइगोन, कुशाक, एस्टर सबसे नीचे। बिल्कुल, अब इसमें दक्ष दो इंजन और आते हैं। अब अगर हम इन्हीं गाड़ियों के अपर सेगमेंट वाले इंजन की बात करें, लाइक एस्टर का 1.3 टर्बो, फॉक्सवैगन का 1.5 TSI, हुंडई ग्रुप का किया सेल्टोस का 1.5 टर्बो, जो ऊपर वाले इंजन टर्बो इंजन आता है, एलिवेट में तो खैर आता ही नहीं है तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो अगर हम ऊपर वाले सेगमेंट की बात करें, तो इसमें सबसे ज्यादा स्मूथ और सबसे ज्यादा रिफाइंड इंजन जो है वो फॉक्सवैगन का 1.5 लीटर TSI इंजन है। बहुत ही लाजवाब मशीन है वो, 1.5 TSI और उसके साथ जो DSG का कॉम्बिनेशन है उसका कोई जवाब नहीं है। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही ज्यादा माइलेज ओरिएंटेड भी है वो इंजन, और 1.5
टर्बो इंजन जो हुंडई और सेल्ट उसमें किया के अंदर आते हैं वो भी बहुत एक्सीलेंट है। पेपर के अंदर उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है, ऑन पेपर जो है उसकी बीएचपी और टॉर्क थोड़ी ज्यादा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा इनमें रिफाइन इंजन लगता है वो फॉक्सवैगन और स्कोडा का इंजन लगता है, यानी कि टाइगुन कुशाक का। अगर हम बात करें कि सबसे ठीक ठाक इंजन इस सेगमेंट में, तो एस्टर का 1.3 टर्बो आता है, जो कि मैं सही बताऊं तो ना शुरू से इतनी चर्चा में रहा है जब से वो गाड़ी आई है, ना उसका कोई हल्ला मचा, ना उसकी कोई बुरा नहीं है, वो हायर नोट्स पे जाके हाई स्पीड पे जाके थोड़ा ढीला पड़ जाता है। तीन सिलेंडर इंजन है, तीन सिलेंडर टर्बो इंजन है, 1350 cc का सेगमेंट में एक यही इंजन है टर्बो में जो आपको तीन सिलेंडर में मिलता है टॉर्क कन्वर्टर के साथ। पावर उसमें है लेकिन एज वी सेड रिफाइनमेंट उसकी इतनी नहीं है। अगर एमजी अपना एस्टर वाला अगर एमजी अपना हेक्टर वाला 1.5 टर्बो एस्टर के टॉप मॉडल के टर्बो में डाल दे तो नेक्स्ट लेवल हो जाएगी गाड़ी, तो भैया काफी बढ़िया रहेगा, क्योंकि एक तो चार सिलेंडर यूनिट और सीवीटी के साथ में उसकी स्मूथनेस बहुत ही अच्छी है। अब अगर हम बात करें ग्रैंड विटारा हाई राइडर की, तो उनका तो भाई साहब उनका अलग ही अपना अलग ही खेल चलता है, वो तो हाइब्रिड दे रहे हैं आपको, उसमें टर्बो नहीं आता, माइलेज चाहिए तो माइलेज मशीन है वो गाड़ियां, 20+ माइलेज तो वो सिटी में निकाल देते हैं। रिफाइनमेंट भी मुझे कोई बहुत ही पसंद नहीं आई है उसकी इंजन की जो है हाइब्रिड की, तीन सिलेंडर है वो, तीन सिलेंडर यूनिट होने की वजह से। यार आप एक चीज ना गांठ बांध लो, रिफाइनमेंट मिलेगी आपको फोर सिलेंडर इंजन, चाहे वो नेचुरली एस्पिरेटेड है चाहे वो टर्बो इंजन है, ये बात भूलना नहीं है। दोस्तों गाड़ी जब हम लेने जाते हैं ना, हम ना सूरत पे मर जाते हैं, भैया क्या फीचर्स हैं, यार क्या चमक रही है शोरूम में गाड़ी, भैया सबसे जरूरी है इंजन। बिल्कुल, जिसने गाड़ी को चलाना आने वाले 10-15 साल जब तक आप रखोगे, वही चीज है जो रिलायबिलिटी भी देगी, रिफाइनमेंट भी देगी और दमखम भी रखती है जो चीज जो है। तो भैया इस चीज की समझ आपको ना मिलेगी इसी चैनल पे, आप हमारे चैनल पे जाओ स्क्रॉल करो, आपको हर एक वीडियो जो है हर दूसरा वीडियो आपके काम का मिलेगा। गाड़ी कैसे लेनी है, नेगोशिएट कैसे करनी है, बाइंग डिसीजन में आपको क्या क्या करना होता है, गाड़ी लेने के बाद आपने क्या करना होता है। अब अगर हम दोस्तों बात करें अगली सेगमेंट की, प्रॉपर एसयूवी सेगमेंट की, तो भैया बहुत सारी गाड़ियां आती हैं, एक्सयूवी आती है, स्कॉर्पियो एन आती है, हैरियर आती है, सफारी आती है, हेक्टर आती है, इतनी सारी गाड़ियां आती हैं, तो कौन सी गाड़ी सबसे रिफाइंड है? इनोवा हाई क्रॉस भी आती है, हाई क्रॉस भी आती है, वो भी बहुत अच्छी गाड़ी है। तो अगर हम इनमें बात करें पेट्रोल इंजन की, तो भैया महिंद्रा का तो जवाब ही नहीं है, पेट्रोल इंजन 2 लीटर एम स्टालियन इंजन लाजवाब, सिर्फ माइलेज की कमी है, परफॉर्मेंस और इंजन रिफाइनमेंट की उसमें कोई कमी नहीं है, बहुत ही लाजवाब इंजन। अगर आपको कभी कभी चलाना तो उससे बेहतरीन पेट्रोल इंजन जो है सेगमेंट में किसी के पास नहीं है। एमजी हेक्टर का भी पेट्रोल इंजन काफी रिफाइंड है, लेकिन उसमें ना महिंद्रा जितनी पावर है ना माइलेज, वजन ज्यादा होने की वजह से माइलेज भैया यूं कॉम्प्रोमाइज्ड हो गई है उसकी जो है, माइलेज सबकी कम है पेट्रोल इंजन के अंदर। लेकिन रिफाइंड इंजन जो बता दिया आपको दोस्तों वो है महिंद्रा का, सबसे ज्यादा पेट्रोल के अंदर। अब अगर हम बात करें डीजल इंजन की, तो दोस्तों एक्सयूवी महिंद्रा जो है वो अपनी गाड़ियों में एम हॉक इंजन देता है 2200 cc का, जो कि काफी साल पुराना है, कब से चला आ रहा है, रिलायबल इंजन है, अच्छा इंजन है, देसी इंजन है। अब अगर हम बात करें हैरियर, सफारी, हेक्टर, इन तीनों में एक ही इंजन है, जीप कंपस में भी इंजन है, सबके अंदर एक ही इंजन है, अच्छा इंजन है वो भी। लेकिन आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म में ज्यादा खर्चा ना रहे आपको, तो भैया महिंद्रा का इंजन सबसे बढ़िया है, इसके अंदर रिफाइंड भी लगभग बहुत बढ़िया है, सस्ता, देसी इंजन है, कल को खर्चा भी कम आएगा। बिल्कुल, इनोवा की हाई क्रॉस हाइब्रिड के अंदर सबसे ज्यादा जवाब है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल आपके लिए, उसका बहुत जल्द एक ड्राइव रिव्यू भी लेके आएंगे हम इनोवा हाई क्रॉस का। दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया तो भाई साहब सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाना यार, क्या क्या टॉपिक आपके लिए लेके आते हैं जो दिमाग के पूरे पर्दे खोल देती है। बिल्कुल भाइयों के जल्दी से लाख सब्सक्राइबर करवाओ, ऐसी ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लाते रहेंगे, लाते रहते हैं, चैनल पे जाओ बाकी वीडियोस देखो। अगर अभी भी कंफ्यूज हो कि कौन सी गाड़ी ले कौन सी ना ले, नहीं समझ आ रहा, तो ये नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर बना आ रहा है, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हमारे साथ फोन पे जुड़ सकते हैं, कॉल बुक करा सकते हैं रिगार्डिंग योर कार परचेज डिसीजन की आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। भैया ये सब्सक्राइबर्स के लिए सर्विस है, सब्सक्राइब किए बगैर मैसेज मत करना, सब्सक्राइबर तो आपको रिप्लाई जरूर आएगा, थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन रिप्लाई जरूर करेंगे, और बहुत ज्यादा जल्दी में हो तो प्रायोरिटी कॉल बुक कराने का भी सिस्टम है, आप कॉल बुक करा सकते हो। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।